बाबा साहब के खिलाफ अधिवेशन था और नाक रगड़कर माफी मांगी। वो किसी की जूती काट रहे होते या किसी का चमड़ा उतार रहे होते या किसी की भैंस खींच के ला रहे होते कि भागवत की क्या नीति है, आरएसएस की क्या नीति है, मोदी जी की क्या नीति है, सबको पता है। ऐसा लगता है कि कोई लॉबी जरूर काम कर रही है जो बाबा साहब को खत्म करना चाहती है। मनुवादियों के किसी भी मनसूबे में इनको कामयाब नहीं होने देगा। देखो जी, जो ये अधिवेशन हुआ है लोगों को धोखे में रखकर बुला गया है कि ये कौम का अधिवेशन है, लेकिन ये अधिवेशन बाबा साहब के खिलाफ अधिवेशन था, क्योंकि इस अधिवेशन में इन लोगों ने बाबा साहब की कोई तस्वीर नहीं लगाई। और जब लोगों ने विरोध किया तो बाबा साहब की ये लोग तस्वीर भी लेकर आए और नाक रगड़कर माफ़ी भी मांगी। हम इतना कहना चाहते हैं, अगर कोई बाबा साहब के को छोड़ कर या बाबा साहब को दरकिनार करके अगर अपना कोई चौधर चमकाने के लिए कोई प्रोग्राम करता है और कौम को अपना गुलाम समझता है, और तो हम उसको बिल्कुल भी कामयाब ऐसे मंसूबों को नहीं होने देंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारी रग रग में बसे हुए हैं और हम जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब की बदौलत हैं। जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं और चमार हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया संविधान नहीं बना होता, वो किसी की जूती काट रहे होते या किसी का चमड़ा उतार रहे होते या किसी की भैंस खींच के ला रहे होते। इसलिए उनको सोचना चाहिए, उनकी मुक्ति का कारण सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं, और यहाँ इतनी बढ़िया जगह पर वो प्रोग्राम कर पाए हैं वो भी सिर्फ बाबा साहब के कारण ही कर पाए हैं। क्या लग रहा है कुछ इसमें षड्यंत्र है? 100% कोई ना कोई लॉबी ऐसी जरूर काम कर रही है जो दुश्मन के इशारे पर काम कर रही है कि बाबा साहब के जो चढ़ते हुए नाम को छोटा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी बाबा साहब को साथ लेकर चल रही है। देखो, वो तो सातिर हैं, वो महा खिलाड़ी हैं, ये हैं बावले, वो महा खिलाड़ी हैं। उनको पता है बाबा साहब का फोटो के बगैर, बाबा साहब का नाम लिए बगैर देश की कम से कम 25% आबादी उनको एक भी वोट नहीं देगी। इनको वोट चाहिए नहीं, इनको वो उनको सिर्फ ये कि हमें नेता बनना है और बड़ा बनना है और बड़ा बन के बाबा साहब को काटना है और बुद्ध के जो दिए हुए ज्ञान को काटना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब तो सर आपकी लड़ाई भागवत भी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने दो, उनको जलाभिषेक कर ले दो मंदिर में। देखो, भागवत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनके बारे में शेड्यूल कास्ट का हर आदमी जो शेड्यूल कास्ट SC ST OBC प्यार करता है उनको सबको पता है कि भागवत की क्या नीति है, RSS की क्या नीति है, मोदी जी की क्या नीति है, सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, उनका यही इरादा है और इसी इरादे में वो लगे हुए हैं, और ऐसे प्रोग्राम उनके इन मंसूबों को कामयाब करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन चंद लोग हैं, 0.00001% भी लोग नहीं है जो बाबा साहब के खिलाफ हैं, और ऐसे लोगों को हम दरकिनार करेंगे, क्योंकि अब की बार हमें ये बताया गया था कि कम्युनिटी का सम्मेलन है और हमें लग रहा था कि कम्युनिटी का सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन बाबा साहब के बगैर अधूरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लॉबी जरूर काम कर रही है जो बाबा साहब को खत्म करना चाहती है। जो अखिलेश यादव है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी माननीय काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, इसके अलावा अंबेडकर वाहन चला रहे हैं वो, बीजेपी भी जो दलितों को साथ लेकर चल रही है, क्या हाईजेक करने की कोशिश है दलित वोटरों को? 100% हाईजेक करने की कोशिश है, और लेकिन वो इसमें 1-2% कामयाब होते हैं, क्योंकि गद्दार हर कौम में होते हैं, हर जगह, इस कम्युनिटी में भी गद्दार हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश को जो है उस पर रख देते हैं, ताक पर रख देते हैं। 1-2% उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समाज में। क्या दलितों को कोई लीडर नहीं है जो जिससे कि बिखराव आ रहा है दलितों में? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीडर के बगैर भी आपको पता हो 2 तारीख को जयपुर में एक अधिवेशन हुआ था, SC ST अधिवेशन, आपको जानकर खुशी होगी, वो प्रोग्राम लीडरलेस था और 12 लाख लोग उसमें पूरी ताकत के साथ जमा हुए थे। जरूरत नहीं है कि कोई लीडर हो जब भी हम आगे बढ़ेंगे, बगैर लीडर के, आप लोगों ने शायद कवर किया है या नहीं किया है, आपको पता है या नहीं पता, ये 2 अप्रैल की अभी कल परसों की बात है, 12 लाख लोग जमा थे वहाँ और लीडरलेस था वो प्रोग्राम।
लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए थे दलितों पर 2018 को, उसमें एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। देखिए, सारे मुकदमे वापस हो गए। जो मुकदमे वापस नहीं लेगा, हम सब देख रहे हैं, और 12 लाख की आबादी बहुत ज़्यादा होती है एक किसी एक स्पेशल प्रोग्राम में और किसी एक शहर के लिए। तो सत्ता को भी एहसास हो जाना चाहिए कि अगर इनके मुकदमे वापस नहीं लोगे तो तुम्हारी पद और ये सत्ता तुम्हारी हम खूंटी पटांग देंगे। तो क्या लग रहा है, वापस लेंगे जो दो पहल के मुकदमे? देखो, वापस अगर लेते हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं लेते तो हम उनको कुर्सी से खींच लेंगे। सर, क्या कहेंगे 2024 में दलित प्रधानमंत्री की कल्पना की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक ही जाति का प्रोग्राम हो रहा है? देखिए, 2024 में दलित प्रधानमंत्री की कोई मुझे तो कम से कम संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि जब तक सारा समाज एक नहीं होगा, सारी कम्युनिटीज़ को एससी एसटी ओबीसी के लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, वो ऐसा मतलब कामयाबी होती लग नहीं रही। लेकिन ये असंभव भी नहीं है, सारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पूरी ताकत के साथ सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस देश के गरीबों मजलूमों का कुछ भला हो सके। तो बहुजन समाज तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। देखिए, बहन जी हमारी नेता हैं, और जब तक इस देश में मेंबर पार्लियामेंट पूरी संख्या में नहीं होते, कोई कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। सिर्फ वर्डों से कुछ नहीं होता, हम लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बना के जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे अपने लोगों को, जब तक एससी एसटी का प्रधानमंत्री। जो अधिवेशन हो रहा है, चमार अधिवेशन आज दिल्ली में, चमार जो वर्ड है इसको लेकर तो गाली दी जाती है गांव में, कई बार देहात में। बिल्कुल दी जाती है, गाली दी जाती है, और ये इनका क्या उद्देश्य है प्रोग्राम वालों का मुझे नहीं पता, ये तो यही बताएं। लेकिन बाबा साहब के खिलाफ ये लोग जरूर हैं जो आयोजक हैं, सारे लोग आए वो खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि बाबा साहब की फ़ोटो इस प्रोग्राम में नहीं होगी। हमें देख के खुद हैरानी हुई, गेट पे हमने देखा, उसके बाद ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इन पे देखा, फिर अंदर घूम कर देखा कि बाबा साहब की एक भी तस्वीर नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैंने कहा भाई मैं अंदर नहीं बैठूँगा, मैं उसके बाद तुरंत बाहर आ गया और सबसे पहले शायद आपसे ही मिला था, आपसे ही मेरी बात हुई थी, और सबसे पहले इसका विरोध मैंने किया था कि भाई ऐसे गलत है। समाज शब्द है, लोग लिखते भी नहीं है, छुपाते हैं, जाति छुपा लेते हैं, नाम के पीछे नहीं रखते हैं, उसको लेकर जो गर्व किया जा रहा है। देखिए, ये हमारे दुश्मन का दिया हुआ नाम है, और हमारे लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट आज की डेट में चल रहा है, मूल निवासी कॉन्सेप्ट, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, हमें मूल निवासी शब्द और मूल निवासी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक एक जाति करके कोई इस देश में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब तो सभी समान नागरिक हैं, आप मूल निवासी की बात कैसे करते हैं? देखो, मूल निवासी का मतलब है सब समान नागरिक नहीं है। अगर किसी दो जगह केस हुए, एक एससी एसटी ओबीसी के आदमी के ऊपर, एक किसी सो कॉल्ड अपर कास्ट के ऊपर, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाला है वो कभी गिरफ्तार नहीं होगा, और एससी एसटी वाला तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए समान जो है नहीं चल रहा, समानता नहीं है देश में। नहीं नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है समानता। कुछ कुछ ही जातियों का दबदबा है इस देश में। हिंदू राष्ट्र की कुछ कल्पना की जा रही है ऐसा? देखो, हिंदू राष्ट्र ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर आप गहराई से समझेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू धर्म का राज लेना। हिंदू धर्म का राज लेने का मतलब है जो क्या नाम है, हिंदू धर्म का मुखिया कौन है? सिर्फ पुजारी है। पुजारी है तो किसका फॉलो होगा? मनुस्मृति का। मनुस्मृति का फॉलो होगा तो वर्ण व्यवस्था का फॉलो होगा। वर्ण व्यवस्था का फॉलो होगा तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र का होगा। शूद्र में सारी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, तो क्या होगा, वो जिस तरीके से पहले अधिकार विहीन थे, और धीरे धीरे सरकार की कोशिश वही होगी कि इन लोगों को अधिकार विहीन उस तरीके से कर दिया जाए। हालांकि ये उस मनसूबे में जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत कानून की कुछ धाराएं या कुछ क्लॉज ये हटा सकते हैं, ताकि उससे हमें आगे हमारे आगे बढ़ने के रास्ते कम हो जाएं। लेकिन ये देश, इस देश का एससी एसटी ओबीसी अब जाग गया है, और इन मनुवादियों के किसी भी मनसूबे में इनको कामयाब नहीं होने देगा। अगर एससी एसटी ओबीसी जाग गया है, तो फिर करौली बाबा के दरबार में कौन जा रहा लाखों की संख्या में? देखो, करौली बाबा के दरबार में जो भी जा रहे हैं
वही हमारे भोले भाले लोग हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी के भोले भाले लोग हैं, और हम सबका फर्ज है जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको समझाया जाए कि जो हमारा भला करने वाला कौन है। 33 करोड़ देवी देवता इस देश में हजारों सालों से उपलब्ध हैं, लेकिन हमारा भला सिर्फ इस देश का संविधान लागू होने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। हम किसी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम मानते सिर्फ अपने बाबा साहब को हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब ही हैं, केवल और केवल बाबा साहब हैं।